अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी, आज आपके लिए एक सोसाइटी टॉक पे एक नया टॉपिक लेके, रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे रिलेशन में, इस सिचुएशन में, हमारी सोसाइटी में आजकल जो हो रहा है, आप लोगों को जाएगा। बट आई रियली वॉन्ट टू पुट दिस पॉइंट इन, क्योंकि ये इशू आजकल यूरोपियन, मुझे नहीं पता अमेरिका में क्या सिचुएशन है, लेकिन हमारे यूरोप में ये इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। द थिंग इज़ कि हमारे जैसे पुराने ज़माने में होता, खाला की बेटी, चचा की बेटी के साथ आपस में रिश्ते हो गए, हो बाहर आ गए, लेकिन जब वो उनकी उनके बच्चे जवान होना शुरू हुए, क्योंकि वो बाहर रहते हैं और उनको ज़ाहिर है इतना ज़्यादा इंसान का मिलना जुलना या ऐसे नहीं होता, तो जब वापस अपने मुल्क जाते हैं तो वो अपने ही घरों में रिश्ते ढूंढते हैं और अपने ही घरों से रिश्ते करके ले आते हैं। तो एक दो तीसरी सीढ़ी जो है वो इंटर मैरिजेस की होने की वजह से जो ये जो पीढ़ी अब आ रही हैं, इनमें आई वुड से मैं खुला कह सकती हूँ, मेरे ख्याल में 60% 70% जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो डिसेबल्ड पैदा हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं बच्चे जो बिल्कुल डिसेबल्ड हैं, कुछ हैं जो थोड़े से डिसेबल्ड हैं। और दूसरा ये होता है कि आपकी क्योंकि जीन्स एक ही होती हैं, जाहिर है कि आप एक ही फैमिली से आ रहे हैं, स्पेशली अगर आपने चाचा के या ताया की बेटी बेटी या बेटे से शादी की, तो ऑब्वियसली वो फिर तो एक ही जीन्स हो गई ना माँ की साइड से। तो अगर माँ बाहर से आई हुई है दैट इज़, तो फिर तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो गई, लेकिन अगर माँ भी घर की ही थी तो जीन्स जो होती है उसमें जो वो एक छोड़ के दूसरी जो है जनरेशन उसमें वो खामी ज़रूर आ जाती है। फिर ये कि अगर दादा हजूर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे तो वो गुस्से की जीन्स चलती आ रही हैं, यू नो, बिगड़ती जा रही हैं। तो ये चीज़ देख लेनी चाहिए, शादी करना ख़ानदान में इज़ वेरी गुड। कोशिश करनी चाहिए कि चलो अगर एक पीढ़ी में हो गई तो दूसरी पीढ़ी में ना हो, लेकिन ये एक और टॉपिक है। इसमें भी जो है वो ये सोच के कर लेना सिर्फ कि इनकी अच्छी गुजर जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी केसेस मेरे पास बहुत आते हैं, स्पेशली लड़कियाँ बेचारी बहुत आती हैं जो रोल रही हैं, जिनके सगे ताया के बेटे, सगे चचा के बेटे, सगी फूफी खाला या मामू या व्हाटएवर किसी के बच्चे के साथ, स्पेशली लड़कियों के साथ हो रहा है कि शादी करके आ गए और वो यहाँ पे आके जब उनको वीज़ा वगैरह मिल गया तो उन्होंने उनको छोड़ के किसी और से कर ली कि, और वो लड़कियाँ यहाँ पे या किसी का बेटा है, किसी की बेटी है और वो अकेली हैं। सो खैर ये तो ज़रूरी नहीं है कि ख़ानदान के लड़कों की वजह से हो, बाहर भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है बच्चों को, जो मेरा कहने का जो बीच सारी तमीज का जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को, ख्वाह वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी जगह पे शादी करना चाह रहे हैं और आपको पसंद नहीं है तो बैठ के बात कीजिए, लॉजिकली बात कीजिए, मान जाइए या मनवा लीजिए, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती की शादियाँ चलती नहीं हैं, और अगर चलती हैं तो बहुत बुरी चलती हैं, क्योंकि वो फिर लड़ाई झगड़े और फिर उसमें बच्चे हो गए, बच्चे सारी उम्र माँ बाप को लड़ता झगड़ता देखते रहते हैं तो वो भी डिस्टर्ब्ड बड़े होते हैं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो बेसिकली बहुत प्यारा रिश्ता है, और मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो अल्लाह मियाँ ने बनाया है इसलिए कि इंसान का ख़ानदान आगे बढ़े, उसको आगे बढ़ाने के लिए। इस बात को समझ के हमारे यहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसे देखते हैं, आजकल का ज़माना थोड़ा खुल गया है तो बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिज रिलेशनशिप्स पहले मर्दों के सुनते थे कि मर्दों के होते हैं, अब औरतों के भी होते हैं। तो बाकी तो सोशल इश्यूज में आ जाता है। मेरा कहने से सिर्फ मेरा इस पॉइंट को लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखिए ये सब जो हो रहा है इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन जो सब हो रहा है उसका जो मेन कैन है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम अपने मज़हब से दूर जा रहे हैं। अगर हम लोग अपना मज़हब अपनी किताब को उठा के बजाय इसके कि उसको खूबसूरत से ताक में सजा के ऊपर रखते, अगर हम उसको पढ़ें तो हमें बहुत सारी बातें खुद ही क्लियर हो जाएंगी, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी इतनी पढ़ी लिखी कौम अनपढ़ है। अनपढ़ इसलिए कि वो डिग्री उसके पास वस फिलोसफी की होगी या इंजीनियरिंग की होगी या डॉक्टर की होगी, लेकिन वो वर्ल्डली नॉलेज है। जो नॉलेज असल में आपको चाहिए वो आपके कुरान की नॉलेज है। किसी से आप पूछ लीजिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि आप अगर कुरान खोल के कहें इसको फ्लुएंटली पढ़ दो तो मैं फ्लुएंटली पढ़ दूंगी आपको पूरी की पूरी आयत, तो क्या मैं पूरी की पूरी सूरह आपको पढ़ दूंगी। अब आप मुझे कहिए इसको वर्ड बाय वर्ड इसकी जो है तशरीह करो, इसका तर्जुमा करो, तो मैं फंस जाऊंगी। उसकी वजह यह है कि मैंने कुरान सीखा, मुझे कुरान सिखाया गया लाइक ऑल ऑफ अस, लेकिन तर्जुमा नहीं सिखाया गया, वो अब मुझे खुद सीखना पड़ा।
और इसलिए सीखना पड़ा कि मुझे अपने बच्चों को आगे एजुकेट करना था। तो एज अ पेरेंट मुझे ये करना पड़ा। मियाँ बीवी का आपस में रिलेशनशिप जो है वो इस जगह पे आके शुरू भी तैसे ही होता है और ख़त्म भी इस जगह पे होता है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। अगर आपकी आपको नहीं पसंद आपका खावत या आपको नहीं पसंद आपकी बीवी, आपको अल्लाह ने हक दिया है इज्जत से एहतराम से छोड़ देने का। ये नहीं कि एक दूसरे को नोच लो और एक दूसरे की डर्टी लिनन जो है वो पूरे दुनिया में वॉश कर दो। और नो, आपको आप एक दूसरे के साथ नहीं चल पा रहे हैं, आप एक समझते हैं कि आप अवाक्सन एडल्ट हैं, आप समझते हैं आप एक दूसरे के साथ नहीं चल पा रहे, इज्जत से एक दूसरे को छोड़ दो। बीवी को उसका हक दो, बच्चों को उसका हक दो, जा जाके दूसरी शादी कर लो। बीवी को छोड़ दो ताकि वो आगे जाके दूसरी शादी कर ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मर्द 80 साल का भी हो जाएगा ना, तो उसकी तलाक हो जाएगी, बीवी मर जाएगी, सारा खानदान आ जाएगा, हाय हाय देवा से कुड़ी लबू, हाय हाय कल्ला कितना रहेगा। औरत बेचारी जवानी में भी बेवा हो जाएगी या उसको तलाक हो जाएगी तो तौबा 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 तौबा, तलाकशुदा बेवा, इससे नहीं शादी करनी। कहाँ के असूल हैं हमारे इस्लाम में, कहाँ लिखा है? प्लीज़ कुरान पढ़िए। हाँ, हमारे में यही बात जरूर हर जगह हम विद ऑल ड्यू अपोलॉजीज मैन यही आता है कि जी यंग लड़की से शादी कर लो, ये सुनना है। सुनना थी, रसूल पाक ने की थी शादी हज़रत आयशा से, रसूल पाक ने हज़रत खदीजा से भी शादी की थी, उन्होंने और भी सब जो उनकी जौजा थी वो कोई तलाक याफ्ता थी, कोई बेवा थी। ठीक है, सिर्फ हज़रत आयशा थी रज़ी अल्लाह अन्हो जिनके साथ अल्लाह मियाँ ने उनको, अल्लाह ने कहा था, ठीक है, उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला था। वो एक बहुत दूसरे निवो पे जाके वो एक एग्जांपल है। प्लीज़ पहले आप उस निवो तक पहुंच जाइए मर्द हजरात, उस जगह तक पहुंचिए। मेरे रसूल की दाढ़ी रख लेने से सुन्नत पूरी नहीं हो जाती, दाढ़ी की इज्जत भी रखिए मर्द हजरात। ऑफकोर्स हमारी सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और भी बहुत सारी सुन्नत है। सिर्फ एक यंग लड़की से शादी करना ही सुन्नत नहीं है, अपने से बड़ी उम्र की लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ हैं जो बेचारी कवारियाँ बैठी हुई हैं जिनके सर में चांदी आ गई है। निकाह कीजिए, निकाह कीजिए ताकि उनसे उनके उनकी ज़िंदगी बन सके। निकाह एक एक, एक रिश्ता होता है, दो डिफरेंट इंसान एक जगह पे आते हैं। देखिए अगर कम्युनिकेट होता है, सही चलती है तो बच्चे पैदा कीजिए, वरना प्लीज़ बच्चे भी पैदा मत कीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में बच्चे लेके आने की क्या ज़रूरत है जो खुद ही नहीं चल रहा। नहीं चल रहा उसको छोड़ के दूसरा रिश्ता पैदा कर लीजिए, लेकिन तंग मत कीजिए एक दूसरे को, ना बीवी खावंद को करे ना खावंद मियाँ को करे। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल पड़ी, मैंने पूरा नहीं देखा, सदफ़ गर्ल ने एक बेचारी ने सुना है बोल दिया, मुझे अब सही लफ्ज़ याद नहीं क्योंकि मैंने वो उसका ओरिजिनल इंटरव्यू नहीं देखा, कि जी मैं अगर मियाँ की पता नहीं जूतियाँ उठा के अगर रख दूँ तो इसमें क्या हर्ज है या रखो उसके। तो हमारे ज़माने में जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी नानियाँ हमें पता है क्या कहती थी, एक स्पेसिफिक परफ्यूम देखना, क्योंकि ज़ाहिर है शादी के वक्त आपको ढेर सारे परफ्यूम्स मिलते हैं, तो उनने कहा एक स्पेसिफिक परफ्यूम देख लो जो तुम्हारी मियाँ को पसंद आए तुम्हारे ऊपर, ना जब वो कॉम्प्लीमेंट करे कि तुम्हें ये बहुत अच्छा परफ्यूम सूट करे, जब अपने मियाँ के सामने जाओ वही परफ्यूम लगा के जाओ। अपने मियाँ को अपनी इतनी आदत डाल लो, उसके सारे उसके मोज़े कहाँ पड़े, उसके रुमाल कहाँ पड़े, उसकी चीज़ें उसके कमीज़ें उसके कहाँ पड़े, ताकि अगर तुम एबसेंट हो घर से तो उसको तुम्हारी कमी महसूस हो। ये एक ट्रिक था पुराने ज़माने का, ठीक है, आजकल की लड़कियाँ लड़के ज़रा ज़्यादा मॉडर्न हो गए। मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि आप रिलेशनशिप जो है उसको ख़राब कर दें, ठीक है, रिलेशनशिप जो है वो दोनों तरफ का एक ही होना चाहिए। मर्द हजरात के लिए भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी बीवी को रात को बाहर उसका दिल कर रहा है बाहर जा रहे, आप उसकी बीवी को खाना खाने के लिए बाहर ले जाए, लेकिन आप डर रहे हैं कि माँ को क्या बताऊँगा या माँ को बताऊँगा जूतियाँ पड़ेंगी, तो गलत है, माँ भी गलत है और आप भी गलत है। आपकी बीवी का हक है आपके ऊपर कि आप उसको व्हाटएवर बाहर लेके जाएं, सैर कराएं या कुछ भी, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें फॉर दैट मैटर। बीवी के ऊपर कहीं भी ये लाजम नहीं है कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करें, कुरान में कहीं नहीं लिखा है, मैं कितनी दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, कहीं नहीं लिखा है। हाँ, वो अपनी मर्ज़ी से करती है, उनको माँ बाप समझ कर उनकी खिदमत करती है कि मेरे खामद के माँ बाप हैं, बूढ़े लोग हैं, इनकी खिदमत मेरा फ़र्ज़ है, ज़रूर करें, लेकिन उस चीज़ की कदर कीजिए क्योंकि वो आपकी खिदमत कर रही है। आपकी अपनी बेटी भी आपकी खिदमत करती है तो आप उसकी कदर करते हैं, वो जो कहीं से लेके आए हैं वो भी आपकी बेटी, वो ज़्यादा बेटी है क्योंकि वो आपका ख़ानदान चला रही है। बेटी तो किसी को दे दी ना, वो तो किसी और का ख़ानदान चलाएगी, वो ज़्यादा बेटी आपकी। मियाँ बीवी के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मियाँ बीवी के रिश्ते को आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई और सोसाइटी का खौफ जो है ना हमारे बीच में, वो ज़रा सा अगर मियाँ, मैंने ये देखा, अगर आप
कहीं बैठ के कोई खावा अगर अपनी बीवी की तारीफ कर देगा, तू तो जन मुरीद हो गया, तू तो बीवी के थले लग गया, तू तो हमारे यहाँ पे कहते हैं जर्मनी, इवन जर्मनी में पंटॉफट हेल्ड उसको कहते हैं कि बीवी के नीचे लग गया। नहीं, बीवी के नीचे नहीं लगा, दैट मीन्स यू रिस्पेक्ट योर वाइफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर इतना ही कुछ हम लोगों ने पिछले ज़माने का छोड़ दिया और हमने इतना अपने आप को मॉडर्न कर लिया, तो हम अपने ख्यालात को भी मॉडर्न करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी हो गई, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास हाजिर होंगी। तब तक के लिए जेवन पद्धति को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।